देखिए महानुभव, ये उपहार मैं आपके और आपके परिवार के लिए लाया था। अभी आपके हुए, आपकी इच्छा पर है, इन्हें रखें या इनके साथ जो भी करें। मैं इन्हें अब वापस नहीं ले सकता। भिखारी समझता है मुझे? ये सब उठा के बाहर फेंक दो। साहब एक बार इशारा कर देते आप, उसकी सारी हेकड़ी निकाल देता मैं। धनलाल, गुस्सा तो कोई भी कर सकता है, असली मजा तो इस बात में है कि जो आपका विरोध कर रहा है वही बाद में आपकी उंगलियों के इशारों पर नाचे। इस आदमी की शक्ल अच्छी तरह से देख लो, बहुत जल्द ये भी हमारी उंगलियों के इशारों पर नाचेगा। ठीक है साहब, लेकिन एक बात बता दीजिए कि उस कुलकर्णी की उद्दंडता को आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हो? मुझे बताइए, मैं आपको काफी समय से पूछ रहा हूं कि आपके यहां आने का मकसद क्या है साहब? व्यापार। देखो नंदलाल, शहर में जमीन की कीमत आसमान को छू रही है और यहां गांव में जमीन कौड़ियों के भाव बिक रही है। अब मिल तो यहां मैं 20-30 साल बाद भी बना सकता हूं, लेकिन 20-30 साल बाद इस जमीन की कीमत क्या होगी जरा इसका अंदाजा लगाओ। ऊपर से मुझे अपने अति विश्वसनीय सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि अंग्रेज सरकार इस इलाके को विकसित करने के लिए आर्थिक क्षेत्र घोषित करने वाली है। जमीन अभी खरीदी तभी मुनाफा होगा। और मैं अपने विरोधी व्यापारियों से 2 कदम आगे रहूंगा। और ये काम इस आदमी की सहायता के बिना संभव नहीं। इसलिए गुस्सा आओ। आप लोग यहां आए, मेरा नियोता स्वीकार किया, मुझे अच्छा लगा। रुको, क्यों ना हम खाना खाने से पहले एक खेल खेलें? कैसा खेल? जो इस खेल में जीतेगा उसे माता पिता की जिम्मेदारी से मुक्ति मिल जाएगी। यही समस्या है ना तुम्हारी? इन दोनों को एक साथ रखना ही तुम लोगों की समस्या है, और तुम दोनों में से कोई भी इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ठीक है, तुम में से जो भी बेहतर होगा वो इस खेल में जीतेगा और उसे अपने माता पिता की जिम्मेदारी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। बोलो। मैं तैयार हूं। खेल क्या है? भाई जाका, सुलभा, भाई जाका, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरी वजह से आपको मेरी भाभी से इतना कुछ सुनना पड़ा, मैं तो आपसे नजरें भी नहीं मिला सकती। नहीं सुलभा, ना तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत है ना माफी मांगने की। अगर तुम्हें सच में अपने भाई भाभी के साथ रहने में तकलीफ हो रही है तो तुम यहाँ आके रह सकती हो। मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। आप मेरे बारे में इतना सोचती हैं, जानकर अच्छा लगा।
पर ये तो सोचिए, एक औरत जिसे उसके पति ने घर से निकाल दिया हो और उसके अपने ही परिवार वाले उसके साथ बुरा व्यवहार करते हो, ऐसे में अगर वो किसी और के घर आके रहने लगे तो बोलने वालों को तो मौका ही मिल जाएगा कि दोष मुझ में ही है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी आप पर उंगली उठाए, वो भी मेरी वजह से। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ सुलभा, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो मुझे कहना। जरूर भाई जाकर। ये कैसा खेल है? तुम्हें बंधे हुए हाथ से खाना खाना है और जो भी खाना पहले खत्म करेगा वही जीतेगा। ये क्या मजाक है? ये भी कोई खेल है? हाँ, बंधे हुए हाथ से कैसे खा सकता है कोई? ये संभव भी था और आसान भी। मैंने ये नहीं कहा था कि खाना खुद ही खाना है, खाना खत्म करना था। अगर खुद नहीं खा सकते तो दूसरे को खिला तो सकते हो ना। मिर्ची खाने से तुम्हारा मुंह जल जाता है ना, इसलिए मिर्ची निकाल दी। ओ सुख दुख आने जाने हैं और सा...
जाए जिस तरह तुम दोनों भाई एक दूसरे को खिला रहे हो ऐसे ही बचपन में तुम दोनों भाई एक दूसरे को खिलाया करते थे लेकिन जैसे जैसे तुम दोनों बड़े होने लगे तुम्हारे स्वभाव में बदलाव आने लगा आज जब तुम बंटवारे के उस दोराहे पर खड़े हो तुम्हें ये बात मालूम कि मिर्ची खाने से आकाश को तकलीफ हो इन लकड़ियों के कारण तुम अपने हाथ से खाना नहीं खा सकते थे लेकिन एक दूसरे को खिलाकर तुमने एक दूसरे का पेट भर दिया जीवन भी कुछ ऐसा ही है जीवन में आने वाली मुश्किलों का कठिनाइयों का सामना तुम अकेले नहीं कर सकते अगर तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है तो तुम उन मुश्किलों का उन परेशानियों का उन कठिनाइयों का न केवल सामना कर सकते हो बल्कि जीत भी सकते हो अगर तुम लोगों ने केवल अपने बारे में ना सोचकर अपनों के बारे में सोचा होता एक दूसरे के बारे में सोचा होता एक परिवार की तरह सोचा होता आज तुम्हारी ये हालत होती और ना तुम्हारे माता पिता की तुम लोगों में कोई ना कोई खूबी ऐसी जरूर होगी जो एक में हो और दूसरे में ना हो हाँ साहिब मेरे छोटे भाई का व्यवहार अपने व्यापारियों के साथ बहुत अच्छा है इस पे धैर्य है मीठी बोली जबकि मैं हमेशा अपना धैर्य खो बैठता बात बात पर गुस्सा करता हूं इसीलिए सारे ग्राहक इसे ही ढूंढते इसी के साथ लेन देन करना चाहते हैं जिससे मेरे मन में डर बैठ गया था कि कहीं ये मुझे धोखा ना दे दे सारा धन हड़प ना कर ले महेश भैया हमेशा पिताजी के साथ माल लाने जाया करते थे यही कारण है कि माल देने वाले भैया को पहचानते तो हमेशा इनको ही ढूंढते थे इसीलिए मैं डरने लगा था कि भैया कहीं मुझे निकाल ना दे और मुझे धोखा ना दे दे क्या तुम्हें महसूस हुआ कि घर को बांटने के बजाय व्यवसाय को बांटने के बजाय अगर तुम लोगों ने एक दूसरे पर भरोसा किया होता अपनी जिम्मेदारियां बांटी होती तो आज तुम्हारा व्यवसाय घाटे में नहीं जाता माफ कर दो भैया मैंने आपका विश्वास नहीं किया भरोसा तो कभी मैंने तुम्हारा नहीं किया क्या तुम लोगों को कुछ कहना है जी साईं बंटवारे के पक्ष में तो मैं भी नहीं थी मैं आई और बाबा दोनों को एक साथ देखना चाहती थी पर मैं चुप रही मैंने सोचा अगर मैं बोलूंगी
तो इन दोनों की जिम्मेदारी मुझ पर ही ना आ जाए, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं तो बंटवारे को ना बोलने ही वाली थी, लेकिन सब बड़े चुप थे। मैं तो छोटी हूँ, मैं कैसे बोलती? ऐसा सोचना मेरी ही भूल थी। यदि मैंने बोला होता तो शायद ये भी मेरा साथ देते और ये सब ना हुआ होता। ओ, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अच्छा और बुरा समय आता जाता रहता है, लेकिन जब परिवार साथ में हो तो दुख के समय में दुख सहने की शक्ति और सुख का समय परिवार के साथ बांटने पर और भी सुखदायी हो जाता है। जिस समाज में परिवार के लोग अपने व्यक्तिगत डर, अपने स्वार्थ, अपनी महत्वाकांक्षाओं का त्याग करके अपने परिवार और अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, वही समाज उन्नति करेगा, वही समाज मानवता का उदाहरण बनेगा और वही समाज सच्चे अर्थों में समाज कहलाएगा। अल्लाह। सुलभा, चावल सुखाने के बाद इसे भी सुखा देना। जी। सुलभा, मेरे साथ अंदर आओ। जी। ये सब क्यों दे रही है मुझे? सुलभा, क्योंकि इसकी मुझसे कहीं ज्यादा जरूरत तुम्हें है, और मेरे पास तो ऐसी कई सारी साड़ियां हैं जो मैं कभी पहन भी नहीं पाती। तुम पहनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं वाइनी, मैं इन्हें नहीं ले सकती। जितना काम मैं करती हूँ उससे कहीं अधिक तो देते हैं आप। पैसों से, अनाज से मदद तो करती रही हैं, और अब कपड़े। सुलभा, जो मेरे वश में है मैं वही कर रही हूँ, और मेरी जगह तुम होती तो क्या तुम नहीं करती? भाई नहीं, इस जन्म में मैं आपका ऋण नहीं उतार पाऊंगी। संसार में सब आपके जैसे होते तो कहीं कोई दुखी नहीं होता। माँ। हाँ बोलो केशव। अपनी साड़ियां उन्हें क्यों दे दी? कभी कभी हम जरूरत से ज्यादा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, और हम ये भूल ही जाते हैं कि घर में और घर से बाहर ऐसे कितने लोग हैं जिनको सामान की जरूरत हमसे कहीं ज्यादा है। वो साड़ियाँ ऐसे ही रखी रह जाती, उससे अच्छा कि वो किसी के काम आ जाए।
साई कुछ भी अपने पास नहीं रखते, बल्कि तो भिक्षा में मिले भोजन को पहले चिड़ियों को, पशु को, भूखों को खिलाते हैं, फिर जो बचता है उसे खाते हैं। अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। माँ भी वैसे ही करती है, क्या मुझे भी ऐसा करना चाहिए? पानी, पानी। कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है। बस बेटा, हो गया बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, जीवन सफल है। उठिए बाबा। आप यही रुकिए, मैं आया। ठीक है बेटा। आपके लिए। ये सब मेरे लिए? भगवान आपका भला करे। बहुत बहुत धन्यवाद। केशव, मैं श्लोक पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना और फिर उसे दोहराना। ठीक है बाबा। ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या, जय जय स्वसम वेद्या आत्मरूपा। ओम नमो जी आद्या वेद प्रति बाबा, इसके आगे भूल गया। कोई बात नहीं, मैं और एक बार पढ़ता हूँ। ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या, जय जय स्वसम वेद्या आत्मरूपा। ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या, जय जय स्वसम वेद्या आत्मरूपा। भिक्षाम देहि। नहीं नहीं अप्पा जी, आप बैठिए, ज्ञानेश्वरी का पाठ बीच में छोड़कर नहीं उठते। बहजा माँ है ना, वो अपने इस बेटे का ख्याल रखेंगी। देवा तुंचि गणेशु सकलार्थमति प्रकाशु अणे निवृत्तिदासु अवधारी जोजी। देवा तुंचि गणेशु सकलार्थमति प्रकाशु मने निवृत्ति दासु अवधारी जोजी। क्या सोच रहे हो? सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेव मया पिता, अर्थात माता सभी तीर्थों का रूप है और पिता सभी देवताओं का।
हर पिता की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों में आत्मविश्वास का बीजारोपण करे, और ये तभी संभव है जब वो बच्चों का मार्गदर्शन प्रेम और धैर्य से करे, ना कि उनके मन में डर पैदा करके। आदमी की पोटली में क्या डाला तुमने केशव? मैंने वो उत्तर दो। वो आंगन में जो अनाज सूख रहा था वही दिया। बेचारा गरीब और बेसहारा था। हमारे पास बहुत सारा अनाज है, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा अनाज उसे देकर उसकी सहायता कर दूं। हरिओम। और सहायता ही करना चाहते थे तो उसे कहते कि अनाज लो, परंतु दान नहीं ऋण समझकर, तभी हमें लाभ होता। हरिओम, हमारे पास इतना सारा है हमारे पास, लेकिन वो बांटने के लिए नहीं बढ़ाने के लिए है। हरिओम, अगर हम गरीब और बेसहारा लोगों की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या कहा तुमने? अगर हम गरीब और बेसहारा लोगों की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये कहा तुमने? ये जो बोल रहे हो ना, ये भाषा तुम्हारी नहीं है, किसी और की है। और ये भाषा किसकी है ये मैं भली बातें जानता हूं। मिर्च खाने के पश्चात भी तुम्हारी बुद्धि ठिकाने नहीं आई है। चलो, और पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है तुम्हें। नहीं पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। हाथ आगे कर। नहीं पिताजी, क्षमा कर दीजिए। केशव, मैंने कहा हाथ आगे कर। नहीं पिताजी, क्षमा कर दीजिए। हाथ आगे कर। जाने दीजिए। मेरे पुत्र के साथ मुझे क्या करना है ये मुझे मत सिखाओ तुम। नादान है। सुन रुक्मिणी, तुम्हारी इसी प्रवृत्ति के कारण मेरा बेटा दुर्बल और डरपोक बनता जा रहा है। मेरे घर की कुछ चिंता है तुम्हें? क्या करती रहती है दिन भर? ये तुम्हारा बेटा वस्तुएं उठा उठा कर लोगों में बांट रहा है। यहां आंगन में पड़ा हुआ अनाज अभी इसने भिखारी को दिया, तब तुम कहते? बहुत प्रेम है ना तुम दोनों में? ढाल बनते हो एक दूसरे की, मां की पीड़ा देखी नहीं जाती तुझसे, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना अपने बेटे के हिस्से का दंड भुगतना, तो अब भुगतो। पूरा दिन भूखी रहोगी तुम।
पूरा दिन पानी तक नहीं मिलेगा। मेरी गलती का दंड मुझे दीजिए। माँ ने तो कल उपवास रखा था, लगातार दो दिनों तक कैसे भूखी रह पाएगी माँ? ये तो और भी अच्छा है। हरि ओम। मेरा बेटा मेरे हाथों से निकलता जा रहा है, लेकिन अगर उसको वश में करना है तो उसका सबसे बड़ा माध्यम है उसकी माँ। हरिओम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.